हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटो कंप्लीट फॉर सेल वैल्यू ये ऑप्शन इनेबल नहीं है तो इस ऑप्शन को हम कैसे इनेबल करते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही, पहले मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने संडे से लेकर फ्राइडे तक दिनों के नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिए हुए हैं। अब मान लीजिए कि ट्यूसडे की जगह मैं यहाँ पर संडे टाइप करूँ तो जब मैं SUN टाइप करूंगा तो यहाँ सजेशन आना चाहिए, वो सजेशन नहीं आ रहा है, मतलब ये ऑटो कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमको क्या करना है, हमको जाना है लेफ्ट साइड में ऊपर के रिबन में फाइल टैब पर, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये है ऑप्शंस, ठीक है, नीचे इस पर क्लिक कर दीजिए तो आप देखेंगे कि एक्सेल ऑप्शंस का ये विंडो यहाँ पर ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमको एडवांस पे जाना है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, ये रहा एडवांस का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर देखिए हमको इस ऑप्शन को इनेबल करना, यानी चेक मार्क करना है, इनेबल ऑटो कंप्लीट फॉर सेल वैल्यूज, ठीक है, इसको यहाँ से चेक मार्क करिए और यहाँ पे ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल को भी चेक मार्क कर दीजिए, इन दोनों को चेक मार्क कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से नीचे ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिएगा क्या होता है। अब मैं यहाँ पर अगर दोबारा से आपके सामने SU, देखिए मैंने बस SU लिखा और उसे संडे सजेस्ट कर दिया, ठीक है।